हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल, हेल्दी और टेस्टी। मैंने आज टोमेटो सूप बना है, एकदम थिक बना है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बना है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक प्याज लिया है, एक चम्मच लहसुन लिया है बारीक कट करके, आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और 6 टमाटर को मैंने रफली कट करके लिया है। अब इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रखी है गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे बटर। हम ये सूप बटर में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है बटर में बना हुआ सूप। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, मैं तो नॉर्मल तेल भी जो घर में यूज़ होता है वही ले सकते हैं, लेकिन बटर में बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। इसमें ना क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब बटर मेल्ट होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन और अदरक डालने के बाद हल्का सा इसे भूनना है बटर में। उसके बाद हम डालेंगे उसमें एक तेज पत्ता लिया है, आप इसमें तेज पत्ता ज़रूर डालिए, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका और स्वाद भी बढ़ जाएगा सूप का। और प्याज डालना है, यहाँ पर मैंने एक ही प्याज लिया है। प्याज को भी हल्का सा हमें भून के लेना है सॉफ्ट होने तक बटर में। यहाँ पर मैंने बटर का इस्तेमाल भी बहुत कम किया है। और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम टोमेटो ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने टोमेटो ऐड किए हैं। टोमेटो को भी अच्छे से हमें मिक्स करके लेना है प्याज के साथ। और टमाटर को जल्दी गलाने के लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाकर इसे एक 4-5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। अब 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टोमेटो अच्छे से गल चुके हैं, एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद एक मिक्सर का जार लेके हमें उसमें ऐड करना है टोमेटो। हमें तेज पत्ता निकाल के साइड में रख देना है, बस हमें फ्लेवर के लिए ऐड किया था। प्याज और टमाटर मैंने मिक्सर जार में डाल दिए हैं। अब इसके हमें फाइन सी पेस्ट करनी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टमाटो को अच्छे से पीस के ले लिया है। अब एक बर्तन लेके हम इस एक छन्नी से हमें इसे छानना है। मैंने छानते टाइम भी थोड़ा सा पानी ऐड किया था फ्रेंड्स, मेरी छन्नी थोड़ी सी बारीक थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको छाना है। इसी तरह से हमें छान के लेना है, जो बचा हुआ ऊपर है उसे फेंक देना है छन्नी के ऊपर का। जो टमाटर सीड्स है, मैंने टमाटर सीड्स नहीं लिए थे, उसमें काटते टाइम ही निकाल कर रख दिया था। आप देख सकते हैं थिक सा टोमेटो सूप बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, आधी चम्मच से थोड़ी कम मैंने काली मिर्च ली है। थोड़ा सा हम स्पाइसी बनाएंगे इसे, एकदम फाइन पेस्ट करके लिया है मैंने काली मिर्च को। और थोड़ा सा नमक लिया है, यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है। काला नमक से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। अब इसमें 1-2 बॉयल आने तक हमें ये सूप को पकाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ा ज़्यादा पतला, लेकिन थोड़ा मैंने गाढ़ा ही रखा है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड की है, आप इसमें चीनी ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चीनी का भी। बस 1 बॉईल आने तक हमें पकाना है।
आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल आ चुके हैं। एक बॉईल आने के बाद हमें गैस बंद कर देना है और इसकी गर्मा गर्म सर्विंग करनी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एकदम से गाढ़ा बना है और कलर भी अच्छा आया है सूप में। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं गर्मा गर्म सूप के। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक अच्छी रेसिपी के साथ। गर्मा गर्म सूप पीने के लिए तैयार है फ्रेंड्स, इन्जॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।